तो दोस्तों अगर आप मुझे अपना सर मानते हो क्योंकि आप मुझसे कुछ सीखते हो, या मुझे अपना दोस्त मानते हो, या मुझे आप अपना छोटा भाई मानते हो, या मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, चलो आज के लिए आप मुझे अपने फैमिली का मेंबर ही समझ लीजिए, अपने फैमिली का सदस्य ही समझ लीजिए, ठीक है? क्योंकि आप फैमिली मेंबर के साथ, अपने फैमिली परिवार के साथ में तो इतना तो गलत नहीं करोगे जो आप लोग मेरे साथ में कर रहे हो। अभी आप लोग समझ रहे हो, सोच रहे हो कि राहुल सर ये क्या बोल रहे हैं, अचानक से हो क्या गया है, ठीक है? तो हुआ कुछ यूँ है, मैं आपको बताने वाला हूँ। और देखिए, कुछ दिन पहले, दो से तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, माय फर्स्ट बुक से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें मैंने आपको कुछ सिखा रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा था जो कि नई नई चीज़ें थी। और मैं हमेशा क्या करता हूँ, आप लोग के लिए नई नई चीज़ें लाता हूँ। मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सिखाऊँ, हमेशा मेरा यही मतलब मेरा मेन मोटिव यही रहता है। मैं अपनी वीडियो में, किसी भी वीडियो में मैं ये नहीं सोचता कि आपका टाइम वेस्ट जाए, आपका कोई लॉस हो। मैं सोचता हूँ कि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसमें आपको मैं कुछ ना कुछ अच्छी सीख दूँ। मेरा यही शुरू से लेकर के अब तक का और आगे भी यही मेरा मेन मोटिव रहेगा, यही मेरा मकसद रहेगा कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ सिखाऊँ। तो वो वीडियो मैं जब बना रहा था, तो उस वीडियो में मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहा था जो आपको समझा रहा था, ठीक है? अपने इस मोबाइल से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा था, और उसके बाद वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में मैं लगा करके दिखाने वाला था। तो हुआ यूँ कि मैं जब ये वीडियो बना रहा था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो एक कॉल आया था, ठीक है? अभी हुआ क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आप सोचोगे कि यार इस तरह से कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, फैमिली में बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? और यहाँ पर तो आप लोगों ने इस तरह से किया हुआ है कि फैमिली में नहीं, रिश्तेदारों में भी आप लोगों ने लड़ाई करवा दिया है एकदम से। अभी क्या बताऊँ, आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बेझेल रहा हूँ। और मैंने फाइनली सोचा कि ये वीडियो मुझे बनाना है, क्योंकि आप लोग शायद अगर समझ सकते हो तो समझ जाओ, और ऐसी गलती आप मत करो। तो मैंने क्या किया कि जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो उस टाइम पर मेरे रिलेटिव का, किसी रिलेटिव का एक कॉल आया था। और मेरा ये नया मोबाइल है, मैंने अभी नया मोबाइल लिया हुआ है, इस मोबाइल में मैंने किसी का भी नंबर सेव नहीं किया हुआ है, ठीक है? ये मेरा नंबर जो है उनको पता था, और उन्होंने मेरे इस नंबर पर कॉल कर दिया। अब जब कॉल कर दिया तो मैंने वो रिसीव नहीं किया था, लेकिन नंबर सेव नहीं था, वो मिस्ड कॉल आकर के दिख गया। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते करते मैं स्वाइप कर दिया, और स्वाइप करने के बाद ऊपर में क्या है, वो नंबर शो हो रहा था, मैंने हटाया भी नहीं था, गलती हो गई थी। तो वो क्या हुआ कि नंबर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में हो गया, दिख गया। अब इसके बाद मैंने वीडियो एडिट की, वीडियो एडिट करने के बाद मैंने उसे अपलोड कर दिया, और अपलोड करने के बाद जैसे ही मैंने उस वीडियो को अपलोड किया, इसके बाद वो जो नंबर है वो आप लोगों ने देख लिया। अब आप लोग देखने के बाद अब ये नहीं सोचते हो कि भाई यार वो किसी और का भी नंबर हो सकता है, या मेरा नंबर नहीं हो सकता, किसी और का भी नंबर हो सकता है, ए टू जेड किसी का भी हो सकता है। अब आप लोग क्या करने लगे, यार भाई उस नंबर पे लगे हो कॉल करने के लिए, एकदम से कॉल करने किए जा रहे हो। अब हुआ क्या है कि तब से तो मुझे नहीं पता चला था, लेकिन मुझे आज सुबह से पता चला, और सुबह से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है मेरे घर में, मेरे फैमिली में, ठीक है? और रिश्तेदारों में भी थोड़ी सी अनबन हो गई है, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार भी आप लोग हो यार भाई। तो मैंने जब उस वीडियो को बनाया और वीडियो अपलोड किया, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो नंबर दिख गया। अब आप लोग क्या कर रहे हो कि फ़ोन कर करके अब उनसे बोलो, जिनका वो नंबर था, मेरे रिलेटिव का था, और आप लोग क्या कर रहे हो कि उनसे फ़ोन करके बोले हो कि राहुल सर का मुझे आप नंबर दो, ये राहुल सर का नंबर है, मुझे राहुल सर से आप बात कराओ। वो मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता, वो इस चीज़ से रिलेटेड है ही नहीं, उनको यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी चीज़ मालूम नहीं है, क्योंकि उनका जो नंबर है वो सिंपल से मोबाइल यूज़ करते हैं, ना व्हाट्सअप, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं। अब उनके पास में आप लोग फ़ोन करके ये बोल रहे हो कि राहुल सर का आप नंबर दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके नंबर के ऊपर केस कर दूंगा और मैं आपका नंबर बंद करा दूंगा। और इसके लिए कई सारे लोग से बहुत ज़्यादा वो झगड़ा भी कर लिया, और उधर से भी वो लोग झगड़ा करिए, आप लोग जो फ़ोन कर रहे हो उनसे झगड़ा कर ले रहे हो। अब दिन भर में जब से मैंने वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, तब से पर डे उनके पास में 500 कॉल्स आ रहे हैं, हर मिनट उनके पास में 10 से 15 मिस्ड कॉल आ रहे हैं, 10 से 15 कॉल आ रहे हैं। और इसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर के, एकदम से परेशान होकर के, उन्होंने अपने मोबाइल को बंद कर दिया बार बार। इसके बाद इतना गुस्सा हो गए हैं वो कि मोबाइल को अपना तोड़ दिए। अब इसके बाद क्या हुआ है कि उनसे बार बार लोग फ़ोन करके, जैसे ही मोबाइल ओपन कर रहे हैं उनके पास में बार बार फ़ोन आ रहा है कि राहुल सर से मुझे मिला दो, राहुल सर से मुझे बात करा दो, राहुल सर से मुझे राहुल सर का कॉन्टैक्ट नंबर दिला दो, आप राहुल सर को जानते हो, राहुल सर को जानते हो, ठीक है? अब इतना ज़्यादा उन्होंने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने अपना मोबाइल तक तोड़ दिया, घर में झगड़ा हो गया, और कई सारे लोग फ़ोन करके उनसे झगड़ा कर ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं मिलाओगे तो मैं आपको पुलिस केस करवा दूंगा, और क्या कहते हैं कि आपका नंबर बंद करवा दूंगा। मतलब इस तरह से डरा रहे हैं कि हो सकता है कि लोग नंबर दे दें। भाई यार आप लोग इस तरह से क्यों कर रहे हो? और मुझे ये अभी पता चला है, जब मेरे रिलेटिव से, मेरे वाइफ के पास में फ़ोन आया हुआ है,
तो वो इसी तरह से बात करने लगे और उन्होंने बताया कि अरे बहुत सारे सुबह से कम 500 कॉल आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि एक्टिव राहुल सर से मुझे बात करा दीजिए, एक्टिव राहुल सर से मुझे बात करा दीजिए। तब मुझे पता चला और सारी जानकारी मुझे पता चली कि मेरी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया उनके घर में, उनका नया फ़ोन टूट गया, कई लोगों से झगड़ा हो गया और इतना ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट हो गया, 3 से 4 दिन के अंदर में उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी झेली और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो आप लोग क्यों करते हो, आप लोग कितने समझदार हो भाई यार, इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे हो यार, फिर भी आप लोग ये गलती करते हो। मान लो अगर नंबर दिख भी गया तो आपको समझना चाहिए यार भाई, किसी का फ़ोन आ सकता है, किसी का फ़ोन आया होगा, वो नंबर तो मेरा नहीं हो सकता। अगर मेरे फ़ोन में अगर किसी का नंबर आया है तो वो तो मेरा नंबर नहीं हो सकता, ये तो आपको मुझे बिल्कुल भी पता है। हो सकता है किसी और का भी आ गया हो, रॉन्ग नंबर भी हो सकता हो। अब किसी के पास भी आप लोग वो नंबर देख लिए, बस लगे हो फ़ोन करने, लगे हो फ़ोन करने, चाहे कुछ भी हो जाए उसके घर में, आप लोग परेशानी को बिल्कुल भी नहीं समझते हो। तो प्लीज़ भाई आप लोग ऐसे मत करिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मैं अभी क्या करता हूँ कि इस वीडियो को मैं क्या ब्लर कर दूंगा उस पार्ट को, लेकिन आगे से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उस नंबर पे कॉल मत कीजिए। वो एक घर बड़े मतलब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उनका खुद का कारोबार है, लेकिन आप इस तरह से परेशान मत कीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी और आगे से आप लोग ऐसी परेशानी नहीं करेंगे, आप लोग कॉल नहीं करोगे। मैं मिलना है तो मैं आप लोगों को खुद मिलने के लिए बुला लूँगा, ठीक है। एक मीटअप कर लेंगे, अगर आपको इतना मिलना है, अगर आपको मुझसे इतना बात करना है, एक मीटअप कर लेंगे छोटा सा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ उस नंबर पे कॉल मत कीजिए, वो मेरा नंबर नहीं है। तो इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था, उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को पता चल जाए कि इस नंबर को बार बार उस नंबर पर कॉल मत करें। धन्यवाद दोस्तों।